हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस के इस कॉन्सेप्ट वीडियो में आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो अलग अलग एनर्जी शेल्स होती है उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं उसके बारे में समझेंगे, जिसमें हम आज बोहर बड़ी स्कीम को डिटेल में समझेंगे और फिर अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज और कंप्यूटर की वीडियोज भी अवेलेबल है। वे भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो एक बार आप उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स। तो अभी तक हमने जो एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ा है उसमें हमने ये समझ लिया है कि जो कोई भी परमाणु होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है जो कि क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट या एनर्जी शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब इन एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन का वितरण या व्यवस्था कैसी होती है उसे ही हम आज की वीडियो में समझेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स और वेरियस एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। तो कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनका वितरण किस तरीके से, उनकी किस तरीके से व्यवस्था है, इसी चीज को हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कहते हैं। इसे हम बोहर बड़ी स्कीम से समझेंगे। द बोहर बड़ी स्कीम डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेट इन अ शेल और ऑर्बिटल। तो जो ये स्कीम है ये हमें ये बताती है कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किस तरीके से इन एनर्जी शेल्स में व्यवस्थित होते हैं और किसी एक एनर्जी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन एन एटम देयर आर ऑर्बिट्स और शेल्स एस के एल एम एन फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल्स रेस्पेक्टिवली। ईच शेल और ऑर्बिट हैज अ सब शेल नेम्ड एज एस पी डी एफ विच हैज 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपेंसी रेस्पेक्टिवली। इसमें ये बताया गया है कि जो ये एटम होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके चारों ओर जो ये एनर्जी शेल्स या ऑर्बिट्स प्रेजेंट है इनकी नेमिंग की गई है के एल एम एन नाम से। तो न्यूक्लियस के सबसे पास जो एनर्जी शेल होता है पहला, उसे हम के शेल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एल, फिर एम और एन, और यही इनका एनर्जी का भी बढ़ता हुआ क्रम है। मतलब के शेल की एनर्जी कम होगी उससे ज्यादा एल शेल की एनर्जी होगी, एल से ज्यादा एम शेल की एनर्जी होगी। इसके अलावा जो ये एनर्जी शेल्स हैं इसमें कुछ सब शेल भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एस पी डी एफ। जो एस होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी कक्षक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी कक्षक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ कक्षक में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पे जो पहला एनर्जी शेल्स है इसमें केवल मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकेंड एनर्जी शेल्स में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसे हम एक फॉर्मूला 2n² इससे कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम आगे की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हम बोहर बड़ी स्कीम को डिटेल में समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम देयर आर अ सेट ऑफ रूल्स टू रिमेंबर व्हाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो जब हम विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं तो इस योजना के अनुसार हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले है द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स। द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द शेल विद द लोवेस्ट एनर्जी दैट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर जो ये एनर्जी शेल्स प्रेजेंट है इसमें वितरित करते हैं तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो उस शेल में जाएगा जो कि न्यूक्लियस के करीब होता है। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा के शेल में, उसके बाद एल शेल में, फिर एम एन, इस तरीके से शेल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स विल फिल द इनर शेल्स बिफोर द आउटर शेल्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले इनर शेल में भरे जाते हैं उसके बाद आउटर शेल में। मतलब एल शेल से पहले इलेक्ट्रॉन के शेल में भरा जाएगा, एम शेल से पहले इलेक्ट्रॉन एल शेल में भरा जाएगा। दस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉलो एन असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में फिल किया जाता है।
बोर भरी स्कीम आल्सो एलोबरेट इट्स थ्योरी एज एन इलेक्ट्रॉन व्हेन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट डज नॉट लूज एनर्जी विच मीन्स इट सस्टेन इट्स एनर्जी। तो इस स्कीम में ये भी बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा में घूमने पर अपनी ऊर्जा नहीं खोते हैं, वे अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हैं। सेकेंड रूल है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक फिक्स्ड पाथ एंड दैट पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पाथ में चक्कर लगाते हैं जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी शेल्स भी कहते हैं। देयर इज अ सर्टेन लिमिट ऑफ ईच ऑर्बिट दैट कैन हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये ऑर्बिट होते हैं इसकी एक निश्चित सीमा होती है जिसमें निश्चित संख्या में ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर शेल इज अब कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2n² वेयर n रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिट और शेल नंबर ऑफ दैट एटम। तो किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसे हम 2n² फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, जहां पे n है उसका ऑर्बिट या शेल नंबर को बताता है। जैसे जो हमारा सबसे पहला शेल होता है के शेल होता है, उसके लिए n की वैल्यू होगी 1। ये इनर मोस्ट एनर्जी शेल है जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। कैन टेक ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। तो जब हमने इस फॉर्मूले में 2n² में n की जगह 1 रखा तो ये हो गया 2 × 1² जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2। यानी जो सबसे पहला इनर मोस्ट एनर्जी शेल है के शेल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए। सेकेंड ऑर्बिट के शेल के बाद आता है एल शेल, इसकी वैल्यू होती है एन के लिए 2। यानी जब यहाँ पे हम फॉर्मूले में एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो होगा 2 × 2² इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो सेकंड एनर्जी शेल है एल शेल है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से जो एम शेल होता है इसके लिए एन की वैल्यू होती है 3। एन शेल होता है इसके लिए एन की वैल्यू होती है 4। तो जो एम शेल होता है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जो एन शेल होता है उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए 2n² जिससे हम क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और जो यहाँ पे एन होता है ये ऑर्बिट या शेल नंबर को बताता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें यहाँ पे प्रिंसिपल एनर्जी लेवल यानी n जो कि ऑर्बिट नंबर होगा, यहाँ पे 1 का मतलब है सबसे पहला शेल k शेल, 2 का नंबर है मतलब है l शेल, 3 का मतलब m शेल और 4th का मतलब है n शेल। तो जो सबसे पहला शेल होता है k शेल उसमें एक ही सब लेवल होता है s, यानी उसमें एक ही जो सब शेल होता है वो होता है एस शेल। एस में क्या मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो सबसे पहला वाला शेल है उसमें एक ही सब लेवल होगा, एक ही सब शेल है एस जिसमें मैक्सिमम एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड शेल होता है एल शेल, उसमें 2 तरीके के सब शेल होते हैं, एक होता है एस और एक होता है पी। तो एस तो एक ही तरीके का ऑर्बिटल होता है, पी 3 तरीके के होते हैं px, py और pz। तो हर एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो s के लिए तो कितने हो गए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और p के पास 3 ऑर्बिटल है, एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 3 में कितने आएंगे 6 हो गए। तो जो सेकंड शेल है उसमें s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मैक्सिमम और p में 6 आ रहे हैं। तो टोटल जो सेकंड शेल l शेल हो गया उसमें मैक्सिमम कितने 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से जो l शेल है उसमें s, p, d ये 3 सब लेवल्स या सब शेल्स होते हैं। तो एस में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है जिसमें एक ऑर्बिटल है, पी में 3 होते हैं px, py, pz, तो इसमें 3 तरीके के ऑर्बिटल्स हो गए, मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके के जो डी होता है उसमें 5 तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें एक में मैक्सिमम 2 आ सकता है, तो मतलब 5 में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो तीसरा एनर्जी लेवल है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो फोर्थ एनर्जी लेवल होता है उसमें 4 तरीके के सब लेवल्स होते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल जो फोर्थ एनर्जी लेवल है इसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दो रूल्स में अब तक हमने ये समझ लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी शेल में एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरे जा रहे हैं। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएगा, फिर एल शेल में, फिर एम शेल में और फर्दर आगे इसी तरीके से भरे जाएंगे। इसके अलावा जो कोई भी एनर्जी शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसे हम 2n² फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और रूल्स दिए गए हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हेल्प करेंगे। तो पहले हम उसका थ्योरी बेस समझ लेते हैं, उसके पश्चात हम कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें ये रूल्स आसानी से समझ में आ जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन्स में गो इनटू अ न्यू आउटर शेल व्हेन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड इन आउटर शेल। तो जब बाह्यतम कोच में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं तो जो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यदि इसमें फिल करना होगा तो वो इसके बाहर वाले शेल में भी जा सकता है। द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड द पेनल्टीमेट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे मेन जो बात याद रखनी है वो ये है कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा, बाह्यतम कोच होगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, और जो पेनल्टीमेट शेल होगा मतलब जो बाह्यतम कोच होगा उसे जस्ट ठीक एक पहले वाला जो शेल होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। द आउटर मोस्ट शेल कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली आफ्टर देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टीमेट शेल। तो जो पेनल्टीमेट शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, तो और जो बाह्यतम कोच में इलेक्ट्रॉन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तभी आएंगे जब पेनल्टीमेट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पेनल्टीमेट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स अनलेस द नेक्स्ट इनरमोस्ट शेल हैज रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज रिक्वायर्ड बाय फॉर्मूला 2n2। तो यहाँ पे इस तरीके से समझिए कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल से जस्ट एक पहले वाला शेल जिसे हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं उसमें 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, जो ये बाह्यतम कोच है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तभी आएंगे मतलब बाह्यतम कोच में तीसरा इलेक्ट्रॉन तभी भरा जाएगा जब जो इसका पेनल्टी मिड शेल होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अब यहाँ पे जो पेनल्टी मिड शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन के बाद नवा इलेक्ट्रॉन तभी भरा जाएगा जो इस पेनल्टी मिड शेल से जस्ट पहले वाला जो भी शेल होगा उसमें 2n2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कम्प्लीटली फिल हो और जो बाह्यतम कोच में 2 इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पे इसे ऐसे एग्जांपल से समझिए, जैसे यहाँ पे सबसे बाह्यतम कोच का शेल है n शेल, तो इसका पेनल्टी मिड शेल होगा m शेल, तो m शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए गए होंगे तो यहाँ पे नवा इलेक्ट्रॉन तभी फिल किया जाएगा जब n शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, और l शेल यानी जस्ट m से जो एक पहले वाला शेल है इसमें 2n2 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल हो गए हो तभी यहाँ पे m शेल में नवा इलेक्ट्रॉन फिल किया गया होगा। इवन इफ द कैपेसिटी ऑफ द पेनल्टी मिड शेल एक्सीड्स 8, कि जो यहाँ पे पेनल्टी मिड शेल है जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में m है तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब ये 8 से ज्यादा ही है। इट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स unless there are 2 electron in the outermost shell and it cannot have more than 8 electrons unless the anti penalty mid shell the shell immediately preceding the penalty mid shell is completely filled। तो इसका वही मतलब है जो आपको अभी समझाया कि यहाँ पे जो m शेल है इसमें नवा इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब यहाँ पे n शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो और इससे जस्ट एक जो पहले वाला शेल है वो 2n2 के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली फिल्ड हो। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखा है, फिर उसका सिंबल लिखा है और फिर उसका नेम लिखा है, और यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके बारे में बताया गया है। जैसे हमें पता है अभी तक कि जो सबसे पहला शेल है के शेल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की शेल में जाएगा जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे केवल एक ही शेल होगा इसी में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसके बाद हम यदि और एग्जांपल देखें जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएगा जिसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अब बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे मतलब एल शेल में, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एल शेल में आ जाएंगे, तो इसलिए इसका कॉन्फिग्रेशन हम लिखेंगे 2-4। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल देखें जैसे नियोन, नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10, मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएगा जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर बचे हुए जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल में जाएंगे जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं सर सिलिकॉन का, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर होता है 14, तो सबसे पहले इसमें जो उसके 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले के शेल में जाएंगे
उसके बाद एल शेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अभी तक हम टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं। अब जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे यानी एम शेल में, जिसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अभी हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो इसके लिए कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा इसका 284। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19। तो सबसे पहले इसके पास जो 19 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में जाएंगे जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं और हमारे पास बचे हैं 9 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो अब नेक्स्ट शेल है एम शेल, इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 9 के 9 शेल वो एम शेल में नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि हमने एक रूल ये भी पढ़ा है कि जो बाह्यतम कोष होगा, बाह्यतम शेल होगा, उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसलिए जो एम शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगी। जो अब नेक्स्ट शेल है वो किसमें जाएगा, एन शेल में जाएगा। तो इसलिए जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर एन शेल में जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं स्कैंडियम का। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 21। तो अब इसके पास जो 21 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एल शेल में, उसके पश्चात अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 11 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो अब जो एम शेल है उसमें मैक्सिमम भले ही 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 11 की 11 इलेक्ट्रॉन एम शेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सबसे पहले जो एम शेल है उसमें बाह्यतम जो शेल है उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो एम शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे कितने बचेंगे, अभी 3 बचेंगे। तो यहाँ पे जो अब जब इलेक्ट्रॉन इससे नेक्स्ट वाले शेल में यानी एन शेल में जाएगा, तो उसमें भी मैक्सिमम कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि जो बाह्यतम शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी भरा जा सकता है जब उसका जो पेनल्टी मिड शेल होगा, यानी यहाँ इस केस में कौन सा पेनल्टी मिड शेल है, एम शेल, उसमें 2n² रूल के अकॉर्डिंग जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कम्प्लीटली फिल हो जाए। तो यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन तभी भरा जाएगा जब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है वो फिल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो बाह्यतम कोच है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आए, और यहाँ पे हम पहले 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके थे एम शेल में, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन अब और आ जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पे एम शेल है इसमें नवा इलेक्ट्रॉन तभी भरा जाएगा जब इसका जो बाह्यतम वाला शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, और इससे जस्ट पहले वाला जो शेल होगा वो 2n² रूल के अकॉर्डिंग फुल्ली फिल हो। तो इसलिए यहाँ पे 9 आया है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं क्रोमियम का। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ज्यादातर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान से समझना है। जैसे क्रोमियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, यानी इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब यहाँ पे एल शेल तक हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं, अब क्रोमियम के पास कितने बचे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो अब जैसे ही नेक्स्ट शेल एम आएगा, तो अभी तो यही इसका आउटर मोस्ट शेल है जिसमें क्या मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। तो जब हम एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और भर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका अब है जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो एन शेल में जाएगा। तो एन शेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहले तो इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन तभी भरा जाएगा जब इससे जो पहले वाला शेल है यानी यहाँ पे जो एम शेल है वो 2n² रूल के अकॉर्डिंग फुल्ली फिल हो। तो इसलिए अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसका कॉन्फिगरेशन होगा वो होगा 2, 8, 12, 2, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सही नहीं होता, इसकी जगह 2, 8, 13, 1 सही होता है। यहाँ पे जो केस आता है ये आता है फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वाला केस, क्योंकि वो किसी भी अन्य ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो यहाँ पे जितने भी ये एक्सेप्शनल वाले केस हैं इसे हम आगे एक बार दोबारा डिटेल में समझेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो 12 और 2 कॉन्फिगरेशन में ना होकर 13 और 1 हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से हम और सभी के जो कॉन्फिगरेशन है वो लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट हम कुछ एक्सेप्शनल जो केसेस हैं उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो अफबाउ रूल के अनुसार जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो ये आता है हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। तो ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि यहाँ से जो 4s है इसमें एक इलेक्ट्रॉन 3d4 में चला जाए तो जो s है s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये हो जाएगा हाफ फिल्ड।
इसी तरीके से डी है, इसमें भी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यदि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो तो ये भी हो जाएगा हाफ फिल्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या, ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, जो 3d5 का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये 3d4 से ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पे जो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। यानी जो पहला की शेल है उसमें कितने हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड शेल है उसमें है 2 तो एस में है, 6 पी में है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो थर्ड है जिसमें s3s3p और 3d है, तो यहाँ पे टोटल हो गए 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो फोर्थ है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इसका यहाँ पे जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो होता है 2 8 13 1। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे जो s का एक इलेक्ट्रॉनिक 3d9 में चला जाए, तो यहाँ पे जो 4s1 है ये हो जाता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और जो 3d वाला होता है ये होता है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। तो इनकी स्टेबिलिटी के कारण ही ऐसा होता है। और इसका फिर जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है 2 8 18 1। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है मॉलिब्डेनम का, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 42, और जो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आता है 2 8 18 13 1। यहाँ पे भी जो एक इलेक्ट्रॉन है जो एस कक्षक से यहाँ से निकल के डी में आ जाता है, जिससे ये दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। इसी तरीके से जो पैलेडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 46, और इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा 2 8 18 18। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे डी ऑर्बिटल में आ जाते हैं तो ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाता है। नेक्स्ट अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक एटम है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के शेल में भरा जाएगा, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो के शेल में आएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा 2। और कितने शेल्स की जरूरत पड़ी हमें, यहाँ पे केवल एक शेल के। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा के शेल में, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बचे हुए जो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन है वो इसके बाद वाले शेल यानी एल शेल में जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 6। और यहाँ पे कितने शेल्स की जरूरत पड़ी है, 2 शेल्स की, के शेल और एल शेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा के शेल में, जिसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे एल शेल में, जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो अब हमारे पास जो बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7। तो ये इसके बाद जाएंगे एल से नेक्स्ट शेल यानी एम शेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8 7। तो यहाँ पे हमें क्लोरीन के लिए 3 शेल्स की जरूरत पड़ी है, पहला, दूसरा, तीसरा शेल यानी के एल और एम शेल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑर्गन का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, मतलब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा के शेल में, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे एल शेल में, जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसके बाद जो बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे शेल यानी एम शेल में जाएंगे, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा 2 8 8। और इसके लिए भी हमें 3 शेल्स की जरूरत पड़ी है, के एल और एम शेल की। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है, इफ बोथ के एंड एल शेल्स आर फिल्ड, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन देम विल बी। इसमें कह रहा है कि यदि के शेल और एल शेल दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 4। तो हमें पता है कि जो के शेल होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो एल शेल होता है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ये कैलकुलेशन हमने की है 2n² वाले फॉर्मूले से, जहां पे n क्या होता है, ऑर्बिट नंबर होता है। k शेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है, l शेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन k शेल के हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन l शेल के हो गए, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल्स इन एन एटम इज। तो यहाँ पे जो एनर्जी शेल्स होते हैं के एल एम एन, हमें उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो हमें पता है जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है शेल्स की, वैसे वैसे उनकी एनर्जी भी बढ़ती है। तो सब के शेल है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है और उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर उससे ज्यादा होती है एल शेल की, उसके बाद एम और फिर एन शेल की। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एम शेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स। तो एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये पूछा है।
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। तो किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसको हम कैलकुलेट करते हैं 2n² के फॉर्मूले से, जहां पे n क्या होता है, इसका ऑर्बिट नंबर होता है, और जो m होता है इसके लिए n की वैल्यू होती है 3। तो जैसे ही हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 18। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 8? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे हमें दिया गया है एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है, ऑक्सीजन एटम का होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे इसके पास इसका 8 एटॉमिक नंबर है, तो मतलब इसके पास कितने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो के शेल में भरा जाएगा, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद एल शेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जब के शेल में आ गए तो के बाद एल में कितने आएंगे, बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा ताकि ये से स्टेबल हो सके। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये चाहेगा कि इसके जो बाह्यतम कोच है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम विद एटॉमिक नंबर 18 इज। तो हमें यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 18, मतलब इसमें 18 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो अभी हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएगा, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एल शेल में जाएगा, जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अब बचे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो एम शेल में जाता है, जिसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ फ्लोरीन इज 9। हमें दिया गया है कि फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन है वो 9 है, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएगा, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एल शेल में जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ गए, तो अब बचे हुए जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल में जा जाएंगे, क्योंकि एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम। हमने कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में पढ़ा था, ये उसी का एग्जांपल है। हम इसके बारे में डिटेल में समझ चुके हैं कि किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 12 की जगह 13 हुआ था और 2 की जगह 1 हुआ था। वहां हमने समझा था कि किस तरीके से हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला वेयर एन इज नंबर ऑफ द ऑर्बिट। हमने इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, ये होता है 2n², तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। तो यानी इसका मतलब क्या है, जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, हीलियम एटम में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हीलियम वो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।